જેટલી આરાધના સાધનાના પર્વો આવે છે બધા ભીતરને જગાડવા માટે આવે છે, જેટલી આરાધના સાધનાના પર્વો આવે છે માટે ભીતરથી જાગૃત થવાના આવે છે, જેટલી આરાધના અને સાધનાના પર્વો આવે છે એ ભીતરથી કંઈક કરવાના પર્વો આવે છે, જેટલી આરાધના સાધનાના પર્વો આવે છે એ ભીતરથી જાગીને સુધરવાના પર્વો આવે છે, અને માટે શાસ્ત્રકાર ભગવંત કહે છે કે જીવનમાં એટલું જ ઉપર જવાશે જેટલું ભીતરમાં છે. એ પર્યુષણા મહાપર્વ અદ્ભુત પર્વ. किसी के मन में सवाल उठता है कि पर्युषणा यानी क्या, ये पर्युषणा है क्या, इतनी महत्वता क्यों इसकी, इतना महान इसको क्यों दिखाया गया, इतनी विशेषता इसकी क्यों बताई गई. और तब अलग अलग 8 प्रत्युत्तर शास्त्रों में दिए गए. बराबर समझना, हम प्रतिदिन एक प्रत्युत्तर लिखेंगे, एक आंसर को हम समझेंगे कि पर्युषणा महापर्व की विशेषता क्या है. पर्युषणा यानी क्या, व्हाट इज द पर्युषणा. नए नए लोग धर्म में जुड़ते हैं, इतनी पर्युषणा की आराधना देखते हैं, इतने लोगों को धर्म करते हुए देखते हैं, इतने लोगों को तपत्याग करते हुए देखते हैं, उनके भीतर में क्वेश्चन खड़ा होता है, व्हाट इज द पर्युषणा, पर्युषणा यानी क्या. तब शास्त्रकार भगवंत ने पहला प्रत्युत्तर दिया. 8 दिन में 8 प्रत्युत्तर हमें खोज रहे हैं. क्वेश्चन 1 आंसर 8. और तब जाके हमें पता चले, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत होते हैं लेकिन आंसर एक होता है, लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि पर्युषणा महापर्व इतना अद्भुत है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना मेनमून, इतना जबरदस्त है कि इतना इसका क्वेश्चन है एक लेकिन आंसर 8 है. 8 आंसर, 8 जवाब दे तब पता चले कि पर्युषणा महापर्व यानी क्या. पहला प्रत्युत्तर शास्त्रकार भगवंत ने दिया, पर्युषणा यानी प्रेम का पर्व. कहा कि 8 दिन कौन सा पर्व है, प्रेम का पर्व है. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ये 8-8 दिन की साधना आराधना आप जब भी देखोगे, जाकोगे भीतर में जाओगे, एक एक आराधना को अंतर जाकर के देखोगे तो आपको प्रतीत होगा, पता चलेगा कि हर तरह प्रेम बढ़ाने के लिए ये पर्युषणा महापर्व है. एक चीज समझना, आज का आदमी इतना कंजूस है, वो पैसा तो नहीं दे सकता, प्रेम भी नहीं दे सकता. मैं तो कहता हूं कि धर्म का प्रारंभ प्रेम से होता है. जब तक भीतर में ये प्रेम की भावना जागे नहीं, जब तक भीतर में प्रेम की भावना उठे नहीं, जब तक भीतर में प्रेम का माहौल खड़ा ना हो, तब तक आप धर्म के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते. आप सामयिक कर लो, प्रतिक्रमण कर लो, पौषध कर लो, क्रियाएं कर लो, व्रत कर लो, तपत्याग कर लो, बाह्य जगत में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन समझ लेना भीतर में जब तक प्रेम की भावना नहीं है तब तक धर्म के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पाओगे. ये पर्युषणा महापर्व के अवसर में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. परिश्रणा तो हर साल आते हैं, हर साल आप आराधना साधना करते हो, हर साल तो मध्य आकर करते हो, लेकिन क्या आपको लगता है हमें कुछ पाया, हमने कुछ पाया, हमें कुछ मिला, आपको फील होता है, आपको प्रतीत होता है. समझना, परिश्रणा यानी प्रेम का पर्व, जहां 8 दिन भीतर से प्रेम की भावना बहती रहे. पहले दिन के 5 कर्तव्यों के ऊपर गौर करना, हमारी प्रवर्तन जीवों के प्रति प्रेम का पर्व, वो कर्तव्य का पालन क्यों. समझना, पहले दिन 5 कर्तव्य बताए गए, हमारी प्रवर्तन क्यों, जीवों के प्रति प्रेम को जगाओ तो हमारी प्रवर्तन हो सकता है. जब तक जीवों के प्रति प्रेम जागता नहीं तब तक हमारी प्रवर्तन का पालन न हो पाएगा. और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन एक है, व्हाट इज द पर्युषणा, पर्युषणा क्या है, आंसर 8 है. 8 अलग अलग पहलुओं से हम समझे तब पता चले कि पर्युषणा है क्या, कितना कुछ उससे हमें जीवन में प्राप्त हो सकता है. हम प्राप्त कर पाए न कर पाए वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन कितना कुछ हमें मिल सकता है ये पर्युषणा से. पर्युषणा यानी प्रेम का पर्व, हमारी प्रवर्तन जीवों के प्रति प्रेम का कर्तव्य. साधार्मिक भक्ति, साधार्मिक बंधुओं के प्रति प्रेम का कर्तव्य. समापना, सकल जीव राशि के प्रति प्रेम का कर्तव्य. अठम तप, धर्म और तप त्याग के प्रति प्रेम का कर्तव्य. चैत्य परिपाटी,
परमात्मा के प्रति प्रेम का कर्तव्य समझना, ये पांचों पांच कर्तव्य जितने भी है, और ये पांच नहीं 11 आगे के और परियोजना के 8 दिनों की बात जितनी भी बातें हैं, सब बात का एक ही सारांश है, परियोजना यानी प्रेम का पर्व। परियोजना का प्राण क्या? समापना। जब तक भीतर में प्रेम की भावना जगे नहीं, आप किसी को क्षमा नहीं दे सकते। जब तक भीतर में प्रेम की भावना जगे नहीं, आपका यह परियोजना महापर्व सार्थक नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल के बराबर सुन लेना, परियोजना महापर्व को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, शर्त एक ही है, 8 दिन प्रेम में बह जाओ। जीवों के प्रति प्रेम, प्राणियों के प्रति प्रेम, परिवारजनों के प्रति प्रेम, संघजनों के प्रति प्रेम, कोई दुर्जन दिख जाए तो उसके प्रति भी प्रेम, कोई दुष्ट दिख जाए तो उसके प्रति भी प्रेम, छोटी सी छोटी चींटी हो उसके प्रति भी प्रेम। 8 दिन ये कोशिश करके देखो, 8 दिन ये ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा प्रेम की ताकत कितनी बड़ी है। बराबर समझ लेना, कोई आपसे पूछे परियोजना महापर्व यानी क्या, बता देना प्रेम का पर्व ये परियोजना महापर्व। और मैं तो कहता हूं कान खोल के बराबर सुन लेना, दुनिया का प्रेम मिले ना मिले ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुनिया को कितना प्रेम देना ये हमारे हाथ में, लेना हमारे हाथ में नहीं, वो सामने वाले के हाथ में, वो तय करेगा कि आपको प्रेम देना है या ना देना। आप कोई गुरु के पास जाओ, वो आपको प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे वो तय करेंगे, उसका डिसीजन आप नहीं ले सकते। लेकिन आप गुरु के प्रति प्रेम की भावना जगाओगे कि नहीं, ये आप तय कर सकते। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कान खोलकर सुन लेना, ये सोचना मत सामने वाले ने मेरे लिए कितना किया, सामने वाले ने मेरे लिए क्या किया, सामने वाले ने मेरी सहाय करी या नहीं करी, सामने वाला मेरे दुख दर्द में खड़ा रहा या नहीं रहा, ये मत सोचना। सोचना ये, मैंने क्या किया, मैंने कितना दिया, मैं कितना कर पाया, मैं उसके दुख दर्द में सहाय कर पाया न कर पाया, मैं उनको दुख दर्द में हेल्प कर पाया न कर पाया, ये समझना। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परियोजना महापर्व यानी प्रेम का पर्व, अद्भुत ताकत ये प्रेम की है। कहा कि लेना आपके हाथ में नहीं है, देना आपके हाथ में, और दे सकूं तो देना 8 दिन देने के लिए। कहा कि समझ लेना, प्रेम के भीतर 4 सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम का इतना महत्व क्यों, क्यों धर्मों में, शास्त्रों में, गुरु भगवंतों ने, गुरु परंपरा ने, धर्म ग्रंथों ने एक ही बात लिखी कि भीतर के प्रेम को जगाओ, भीतर के प्रेम को जगाओ, भीतर के प्रेम को जगाओ। क्यों? 4 क्वालिटी प्रेम के भीतर है। कहा नंबर 1, वो बहुत है हमारे पास, उसकी कमी नहीं है। अब ये बहाना निकाल सकते हो कि महाराज साहब पैसों की कमी है, अब ये दान नहीं हो सकता। अब ये बहाना निकाल सकते हो कि महाराज साहब शरीर में शक्ति की कमी है, अभी तप नहीं हो सकता। आप ये बहाना निकाल सकते हो कि महाराज साहब मन में भावों की कमी है, अभी अच्छे भाव में नहीं जा सकते। लेकिन आप ये बहाना नहीं निकाल सकते कि महाराज साहब जीवन में प्रेम की कमी है, मैं किसी को प्रेम नहीं दे सकता। ये बहाना आप नहीं निकाल सकते। 4 ताकत प्रेम के भीतर है। इसीलिए आज पहले दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझ लेना, परियोजना महापर्व ये प्रेम का पर्व। तप, त्याग, आराधना, साधना, क्रिया, कर्म, प्रतिक्रमण, सब कुछ बाद में, सबसे पहले प्रेम। आप समस्त जीव राशि के प्रति प्रेम नहीं जगा पाओगे तो ये परियोजना महापर्व आपके सार्थक नहीं होगे। कान खोल के बराबर सुन लेना, प्रेम की 4 अद्भुत क्वालिटी सबसे पहले नंबर में, वो बहुत है, कम होने वाला। दूसरी क्वालिटी, जितना देते हैं उतना बढ़ते जाता है। कोई सवाल करे कि महाराज साहब संसार में मुझे कोई प्रेम नहीं करता, कहीं से मुझे प्रेम नहीं मिलता, उसका रीजन क्या? मैं एक ही जवाब उसका देता हूं, तू देना शुरू कर दे, 10 गुना तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। दे तो सही, देने में क्या दिक्कत है? और इसीलिए कहा कि बराबर समझ लेना, दूसरी क्वालिटी प्रेम की, जितना देते हैं उतना बढ़ते जाते हैं। अब देखना कोई महापुरुषों को, हमने तो देखा है गुरु प्रेम को, उनके निकट कोई इंसान जाता था प्रेममय बन जाता था। वो ऑरा, वो एटमॉस्फियर, वो माहौल, जो आदमी प्रेम से भरा हुआ होता है उसके आसपास का माहौल बदल जाता है।
आप जाना कभी ऐसे इंसान के पास, आपके मन के विचार बदल जाए, आपके भाव बदल जाए, ये ताकत उनकी ओरा में है, वो एटमॉस्फेयर में, वो माहौल में। और हमने तो गुरु प्रेम को देखा है, उनके कमरे में आदमी जाता था, रिफ्रेश होके वापस आ जाता था, गुरुदेव आशीर्वाद न दे तो भी, गुरुदेव माथे पे हाथ न रखे तो भी, गुरुदेव के चरण स्पर्श करने को न मिले तो भी, गुरुदेव निद्राधीन हो, सो रहे हो, लेकिन उसके कमरे में कोई जाए और जाकर के 5 मिनट में वापिस आए, फिर भी पॉजिटिविटी और प्रेम से भर जाए, ये ताकत प्रेम। जितना दोगे उतना बढ़ेगा। नंबर 3, तीसरी क्वालिटी प्रेम की क्या है, ताकि तीसरी क्वालिटी प्रेम की यह है कि आप वो प्रेम कहीं भी दे सकते हो, उसके लिए कोई प्लेस की जरूरत नहीं है। आपको चैत्य वंदन करना हो तो मंदिर जाना पड़े, उपाश्रम में आप चैत्य वंदन नहीं कर सकते। परमात्मा सन्मुख हो, सामने हो और कुछ आलंबन मिले तो चैत्य वंदन देववंदन करने के भाव जगते हैं। प्रतिक्रमण करना हो तो उपासने जाना पड़े, मंदिर में प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। आराधना करनी हो तो उपासने जाना पड़ता है, भक्ति करनी हो तो मंदिर जाना पड़ता है, भोजन करना हो तो होटल में जाना पड़ता है। आप कपड़े की दुकान पे जाकर कहोगे मुझे भोजन करना है, वो कहेगा नहीं सॉरी हमारे पास कपड़े हैं, खाना नहीं है। समझ लेना, हर चीज एक प्लेस पे मिलती है, एक जगह पे मिलती है, लेकिन प्रेम की ऐसी कोई जगह तय नहीं है। आप जहां चाहो वहां दे सकते। आप रास्ते से निकल रहे हो, गाड़ी आपकी चल रही है, सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है, खिड़की के ऊपर कोई गरीब बच्चा आता है, कुछ मांगता है, हाथ फैलाता है और आपके भीतर प्रेम होगा तो वहां भी आपको देने का मन हो जाएगा। वो सही है, ये गलत है, ये सोचने वाले दे नहीं सकते। समझना, जो ये सोचते रहते कि महाराज साहब ये भिखारी सही है गलत है पता नहीं है, ये सोचने वाले कभी दे नहीं सकते और देने वाले कभी सोचते नहीं। जिसको देना है वो कौन सोचता है, जो बहुत विचार करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बराबर समझना, कान खोल के सुन लेना, प्रेम की सबसे बड़ी 4 ताकत है, वो हमारे पास बहुत है, भंडार भरा हुआ है, कम नहीं होने वाला, जितना दोगे उतना बढ़ने वाला है। तीसरे नंबर में उसको कहीं भी दे सकते हो, और चौथे नंबर में उसको किसी को भी दे सकते हो। संसार में हर चीज में पात्रता की बात है, समझना, एक एक चीज में पात्रता की बात करी कि शिष्य बनना है तो पात्र होना पड़ेगा, भक्त बनना है पात्र होना पड़ेगा, सज्जन बनना है पात्र होना पड़ेगा, श्रावक बनना है पात्र होना पड़ेगा, हर जगह पात्र की बात करी, लेकिन प्रेम देने में कहीं पर भी शास्त्रों में पात्रों की बात नहीं है, वहां पात्रता की जरूरत नहीं है, किसी को भी दे सकते हो। गुरु अपनी गादी सौंपने से पहले शिष्यों की परीक्षा करते हैं कि किसको दे सकते हैं, क्योंकि पात्रता महत्वपूर्ण है। अपात्र के हाथ में चला जाए तो शासन अस्त व्यस्त हो जाए। पिता अपनी पीढ़ी अपने बेटे को देने से पहले चेक करता है कि पात्र कौन है, सुपात्र कौन है, योग्य पात्र कौन है। हमारे यहां तो गुरु महाराज को बहराने को भी सुपात्र दान कहा कि पात्र देख के दान करना। एक चीज समझना, संसार में हर जगह पात्रता की बात है, लेकिन ये प्रेम का सब्जेक्ट ऐसा है जहां कोई पात्रता की बात नहीं है, आप किसी को भी दे सकते हो, ये ताकत प्रेम की है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कान खोलकर बराबर सुन लेना, कोई आपसे पूछे पर्युषणा महापर्व यानी क्या, एक ही आंसर, सबसे पहला आंसर ये दे देना, प्रेम का पर्व पर्युषणा महापर्व। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।